ले रहा हूँ साथ में सूट क्या आना था भाई। अच्छा ये आपकी रिपोर्ट एक बार आप चेक करा दो, आपकी क्या प्रॉब्लम है? मुझे लिवर सिरोसिस डायग्नोज हुई थी जनवरी में, मैं यहाँ 6 महीने हो गया। जो मेरा मेजर इशू था वो था मेरा प्लेटलेट्स अराउंड 40,000-20,000 पे चला गया। मैं 3 दिन के लिए एडमिट भी रहा। फिर उसके बाद जो है आज के डेट में प्लेटलेट्स 150 नॉर्मल आ गया। अब देखो इसमें उस वक्त हमने डायग्नोस किया था आपकी राइट लॉब, एक बार आप मुझे ये उस वक्त का जो आपका डॉपलर और यूएसजी कराया था हमने डॉपलर रिपोर्ट है उसको ये देखो ना, इसके अंदर यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि आपकी लीवर की नसें बंद है, डैम्पेंड फ्लो है जी, और डैम्पेंड फ्लो के बाद रिड्यूस कैपेसिटी है जी, लीवर में ब्लड ही नहीं जा रहा जी। उससे एक बार आप फ्रंट का पेज और दिखाना है इसका, हाँ फ्रंट वाला पेज। अब देखो उससे क्या हो गया, राइट लॉब के अंदर क्योंकि ब्लड नहीं जा रहा था, राइट लॉब स्मॉल हो गई जी, श्रिंक कर गई। तो उससे क्या होता है कि जब लीवर सिकुड़ जाता है तो उसका रीजन ये होता है कि लीवर में प्रॉपर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड नहीं होता। ये उसके बाद आपने ये टेस्ट कराया, ये कल का रिपोर्ट है आपने कराया, इससे स्पष्ट आ गया कि आईबीसी और ट्राइपेसिक वेवफॉर्म है, यानी लीवर की जो पहले किसी नस के अंदर ब्लड नहीं जा रहा था, रिड्यूस कैपेसिटी थी, अभी वो तीनों नसों के अंदर ब्लड जा रहा है। और इसका ब्लड टेस्ट के ऊपर ये इफेक्ट पड़ा कि जो आपका 40,000 प्लेटलेट था राइट नाउ 150 नॉर्मल हो गया, नॉर्मल आपका आ गया। तो यही होता है। अब सजा आज आपको क्या मिली है बताओ? सर ने मुझे ऐसा नहीं, देखो मैं भी पी रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं भी पी रहा हूँ, सजा मैं अपने आप को भी दे रहा हूँ, लेकिन मतलब ये है कि डाइटरी पार्ट अननेसेसरी पार्ट बनता है। तो मतलब मैं ये चाहता हूँ कि आप डाइट को भी अच्छे से फॉलो करें, एंड आई होप कि आप करेंगे।